अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। आज मैं बस आपके साथ इसलिए गपशप कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ कि भाई ईद पे मेरे साथ क्या क्या मसले मसाइल पेश आ चुके थे। वरना ईद पे तो भाई मैंने बहुत सारे काम किए थे। ये हमारी गायें फर्स्ट टाइम ही कट गई थी। फर्स्ट डे वाले दिन, ईद का जो पहला दिन था उसमें हमारी गायें कट चुकी थी और ये सारा गोश्त ऊपर आ चुका था। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा गोश्त ऊपर आता ही जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर गोश्त के जो हैं हिस्से कर हो गए थे और एक साइड में कलेजी रखी गई थी। तो बस फटाफट से पहले सबसे मैंने जो है कलेजी बनाई थी बकरीद में, क्योंकि जी सब भूखे होते हैं तो सबसे पहले कलेजी ही बनाई जाती है हमारे घर में हमेशा से। और मैंने जो है कलेजी बनाई थी मसाले वाली, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर ये मैंने बनाए थे गोला कबाब। इन सब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ बिल्कुल भी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है क्योंकि मेरा मोबाइल जो था वो मुझे रीसेट करवाना पड़ा और इसके अंदर वीडियोस नहीं बन रही थी। मुझे इतना ज़्यादा कोई अफसोस था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। हालांकि मेरा ये न्यू मोबाइल है, एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, फिर भी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसका GB भी बहुत बड़ा है, फिर भी मुझे ये 3 बार रीसेट करना पड़ा। इसी वजह से मैंने कोई अपनी वीडियो अपलोड नहीं करी। तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ फुल डे ईद के शेयर करती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरी ये वीडियो और मेरी परेशानियाँ आपको कैसी लगी हैं। छोटी छोटी परेशानियों ने मुझे आ घेरा था, वरना माशाल्लाह काम तो हमारे घर में बहुत ही हुआ। गोले कबाब बनाए थे मैंने, कलेजी बनाई थी, शामी कबाब बना था, नमकीन गोश्त भी बना था, स्टू भी बना था और जी पाया जिसकी रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और आप लोगों ने वॉच भी किया, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी दिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गोला कबाब मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे। यहाँ पर मैं अपनी बिरयानी नहीं थी ये, खैर पुलाव बिरयानी कहेंगे हम इसे, क्योंकि मैंने इसकी यखनी पहले से तैयार करके रख ली थी और फिर इसका मसाला बहुत अच्छे से भून लिया था और डायरेक्ट इसी के अंदर मैंने चावल डाले थे। तो भाई ये बहुत ही लाजवाब बनी थी। मैं इसकी रेसिपी पूरी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बस जी मैंने आपसे यूँ ही बातें करने के लिए ब्लॉग बनाया और देखें जी मैंने कितने सारे गोला कबाब भी तैयार करे थे। ये हमारे घर में जिस दिन दावत थी उसी दिन का ब्लॉग मैंने सोचा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, गोला कबाब में मैंने अपने जो हैं होल कर लिए थे, पेंसिल में लगा कर बनाए थे ताकि बिल्कुल बाजार जैसे लुक दें और अंदर से कच्चे ना रह जाएँ इसी वजह से। तो हमारे गोला कबाब बहुत ही मज़े के बने थे और हर कोई तारीफ़ कर रहा था माशाल्लाह से भाई। तो दिल खुश हो जाता है जब तारीफ़ होती है, लेकिन तारीफ़ करने वाले जो हैं फिर खाने के बाद मुकर जाएं कि जी बस ऐसा होता है कि इनाम में कुछ ऐसा मिल जाता है कि बस फिर दिल चाहता है कि नहीं अब नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात से हमने ये गोला कबाब फ्राई कर लिए थे और काफ़ी सारे बने थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। घर की दावत में हमेशा ऐसे ही होता है, अगर खाना घर में बनाना पड़ जाए तो बस जी मुझे तो मौका ही नहीं मिलता कि मैं ईद इंजॉय कर सकूँ। फिर ऐसा होता है कि मैं बस किचन का ही मुँह देखती रहती हूँ और लोगों का मुँह देखती रहती हूँ। और बस ईद पर मैंने अपने बच्चों की वीडियो भी नहीं बनाई, हालांकि मैंने उनको बहुत ही प्यारा सा तैयार करा था, लेकिन बस वीडियो बनाती कैसे, मोबाइल जो इतना प्रॉब्लम कर रहा था, 3 बार मुझे इस पर रीसेट करना पड़ा है। हालांकि ये अभी मेरा न्यू मोबाइल है, मेरे हस्बैंड ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे गिफ्ट दिया है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे हार्ड वर्किंग और आप लोग बताइए कि भाई मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखें माशाल्लाह से मेरी बिरयानी भी बहुत ही अच्छी बनी थी और ये पक रही है, इसका धुआंधार आपको मेरे कैमरे पे, मोबाइल के कैमरे पे दिख ही रहा होगा, जो कि बिल्कुल से धुंधला धुंधला करे जा रहा था बार बार और मैं मोबाइल की सफ़ाई कर रही थी जल्दी जल्दी क्योंकि भाई काम बहुत सारा था।
बस ये छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी मैं ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मैंने कहा किसी को भी नहीं पता कि मैंने आखिरकार ईद पे वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी, तो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं आप लोगों की मोहब्बत में, कि लोगों ने बहुत पूछा कि आपकी वीडियोज़ नहीं आई ईद पर और हम आपकी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो जी इंशाल्लाह मैं आप बहुत ही जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी यूनिक सी रेसिपीज लेकर आऊँगी, तो आप लोग वॉच करते रहिएगा, मुझे लाइक और कमेंट करते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप मैं मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा, अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए, क्योंकि भाई खाने ही मज़ेदार हों तो दिल खुश हो जाता है, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को तो मेरे हाथ के खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना रखे बहुत ख्याल, दुआ में मुझे और मेरे फैमिली को रखे हमेशा याद। अल्लाह हाफिज़।